नमस्ते दोस्तों। चलिए हम अबैकस को जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जिस किसी को भी अबैकस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी इस सरल तरीके से सीख लेगा कि अबैकस होता क्या है और अबैकस का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए हम एक बार परिचय कर लें कि जो अबैकस टूल है उसमें कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो बाहर की जो काली पट्टी है, ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेम, जिसमें ये सारे मणि लगे हुए हैं। तो ये बाहरी भाग जो है इसको कहते हैं, और ये जो मैं आपको दिख रहा है बिंदु लगे हुए हैं, ये वाली पट्टी है, इसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। और ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं, जैसे बीच वाले को हम बोलेंगे यूनिट रॉड। यूनिट मतलब इकाई का रॉड, ठीक है। और उसके बाजू का जो है ये यूनिट रॉड मतलब इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस प्रकार से। और इकाई वाले रॉड से अगर आप शुरू करेंगे तो जो नीचे के जो रॉड है, नीचे के जो मणि है, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है, वो है एक, ठीक है। इस स्थिति में आप इसको जो है सेंटर की जो पट्टी है आपकी, इससे कोई भी बीट जब टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है ज़ीरो। जैसे इसको आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। और ऐसे में अगर घटाता जाऊंगा इनको तो ये हो जाएगा 3, 2, 1, 0। ऊपर वाले बीट की वैल्यू होती है 5, और वाला मणि, एक मणि 5, 5 फिर 6, 5 और 1, 6, 6 और 1, 7, 8, 9, ये हो गया 9। इसको आपने ऐसे कर दिया, ये हो गया 0। फिर ये ऊपर वाला जो मणि है, ये हो गया 5, और ये अगर ऐसे किया आपने तो आप इधर से इधर इसको गिनेंगे, ऐसे 5, 5, 55। फिर ऐसे अगर आपने कर दिया तो ये हो जाएगा 5 और 1, 6, ये 5 और 1, 6, 6, 6, 66। तो ये है अबैकस की कुछ शुरुआती बातें, समझ जाएंगे कि अबैकस टूल होता किस चीज़ के लिए है। अब मैं 1 से लेके 10 तक हम कैसे करेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, फिर ये 4 को नीचे करके ऊपर अलग लाया हमने 5, ऊपर 5, नीचे कुछ भी नहीं, फिर 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर 10 करने के लिए इसको अब 0 कर देंगे, और दहाई का जो बीड है, जो मणि है, उसको आपने ऊपर लेके गए 1, 0, यानी 1 और 0, ये हो गया आपका 10। 10 ऐसे ही, 2, 0, 20, 3, 0, 30, 4, 0, 40। अब 10 के बाद आता है 11, 10, 11, ये 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ में ऐसे जुड़े रहिए। दूसरे इसमें हम बताएंगे आपको कि इसके द्वारा हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, मतलब हम जैसे संख्या का जोड़ कैसे करेंगे। थैंक यू।